हमेशा याद रखो, जीभ कभी यूं ही नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा होता है वो जुबां पे आ जाता है। लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, जिंदगी में सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। संत और बसंत में एक ही समानता है, जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। आपको डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको तैरना भी खुद आपने ही सिखाया होगा। न जाने कौन सी शोहरत पर इंसान को नाज है, जो खुद आखिरी सफर के लिए भी औरों का मोहताज है। कभी भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है, कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। सफलता एक वाईफाई की तरह है, मिलती तो हर जगह है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए हार्ड वर्क नामक पासवर्ड होना जरूरी है। कौन कहता है कि आंसुओं में वजन नहीं होता, एक बार रो लेने के बाद मन हल्का हो जाता है। ये रिश्ते भी वेल्डिंग की तरह होते हैं, खूब जलना पड़ता है जुड़े रहने के लिए, फिर भी यही डर रहता है कि कहीं टूट न जाए। पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। तीन चीजें किस्मत वालों को ही मिलती है, सच्चा प्यार, सच्चा यार और अपने काम से काम रखने वाले रिश्तेदार। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। याद रखना, चरण उनके ही पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य होते हैं। इंसान चाहे कितना भी आम हो, वो किसी न किसी के लिए जरूर खास होता है। जिंदगी को नियम और अर्थ के किताब और कथाओं में मत उलझाइए, जिंदगी आपकी है, आप स्वयं तय करे जीना कैसे है। ना जाने किसने चलाया ये तोहफे लेने देने का रिवाज, गरीब आदमी को किसी से मिलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। किसी रिश्ते को टुकड़ों में खुद से जोड़े रखने से बेहतर है कि उसे पूरी तरह से अपने हाथ से निकल जाने दिया जाए। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा हूँ कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में गलतियाँ तुमसे ज़्यादा की है। तराशिए खुद को कुछ इस कदर इस जहाँ में कि आपको पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस रहे। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज़्यादा फिक्र दूसरों की करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। कई बार चुप रहना बुजदिली नहीं बल्कि समझदारी और वक्त का तकाजा होता है। कई दफा जब खुद से बढ़कर तुम किसी से मोहब्बत करते हो, इतने सस्ते हो जाते हो कि तुम उन्हें बेकार के लगने लगते हो। याद रखो, अपने टांगों का इस्तेमाल हमेशा आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में अराने के लिए नहीं। किसी ने हमें रुलाया तो क्या बुरा किया, दिल को दुखाया तो क्या बुरा किया, हम तो पहले से ही तन्हा थे। किसी ने एहसास दिलाया तो क्या बुरा किया। कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, नादान है वो जो बैठ किनारे समंदर झांकना चाहते हैं। फिर कुछ ऐसे भी मुझे आजमाया गया, पहले पंख काटे गए फिर आसमां में उड़ाया गया। मिल जाता है 2 पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना परेशान कौन नहीं है अपनी अपनी जिंदगी में। आज के दौर की विडंबना यह है कि हम दुख इंसानों को देते हैं और माफी ईश्वर से मांगते हैं। अफसोस नहीं कि झूठ पर विश्वास किया, अफसोस है कि सारे विश्वास झूठे निकले। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। याद रखना, धोखे से कमाए हुए पैसे पुण्य के काम में लगाओगे
तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं, पर सातिर बगल में भी पहचाना नहीं जाता। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपने अच्छाई से खाया है, सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखता था। इंसान कितना भी अमीर क्यों न बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। मैंने फलों को देखकर इंसान को पहचाना है, जो बहुत मीठे होते हैं वो अंदर से सड़े रहते हैं। दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधियां जमाने की। मेरे गम को कोई न समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की।